एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बार फिर आक्रामक तेवर दिखाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को देश का सबसे बड़ा झूठा नेता बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ ने किसानों की कर्ज माफी के ऐसे आदेश पर हस्ताक्षर किए जो कि पूरा नहीं हो सका। कमलनाथ ने फसल बीमा का स्केल ऑफ फाइनेंस घटाकर किसानों को 1,553 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि उन्हीं के कारण प्रदेश में किसानों को फसल बीमा के 1,553 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। कमल पटेल ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी के जिन आंकड़ों को लेकर कांग्रेस और कमलनाथ फूले नहीं समा रहे वह दरअसल कागजी आंकड़े हैं, हकीकत इसकी विपरीत है। उन्होंने कहा कमलनाथ की वादा खिलाफी के कारण 6 मंत्री और 22 विधायक उन्हें धक्का देकर बाहर आ गए। अब प्रदेश की जनता कांग्रेस को धक्का देकर बाहर करेगी। मंत्री कमल पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ किसान विरोधी हैं। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही 48 लाख किसानों के 2 लाख रुपए तक के 54,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ करने का आदेश निकाला था, लेकिन हरदा में ही 2 भाइयों के 80-80 हजार रुपए के ऋण अब तक माफ नहीं किए गए हैं। क्या किया कि 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का 2 लाख तक का 31 मार्च 2018 तक का कर्जा माफ किया जाता है। हस्ताक्षर कमलनाथ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, ये सबसे बड़ा झूठ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जनता के आंखों में धूल झोंका, मीडिया की आंखों में धूल झोंका, प्रिंट मीडिया में छपा ऐतिहासिक निर्णय। कमलनाथ पहले जवाब दो, सबसे पहले तुम माफी मांगो कि मैंने जनता को गुमराह किया और मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहला ही हस्ताक्षर झूठ के हस्ताक्षर थे, और इसलिए सबसे बड़ा झूठेला इस देश में कोई नेता है वो है कमलनाथ। पहले कमलनाथ माफी मांगे 7.5-8 करोड़ जनता से, किसानों से, और नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दे, तुम जन प्रतिनिधि लायक नहीं हो, नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दो। और मैं तर्क के साथ प्रमाण के साथ कह रहा हूं कि पूरा मध्य प्रदेश के मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्र मीडिया सब साक्षी है। कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों का कर्जा तो माफ किया नहीं 2 लाख तक का, उसके अलावा किसानों को 75% कर दिया फसल बीमा का जो प्रीमियम था, इसके अलावा फाइनेंस का, उसके कारण 1,553 करोड़ किसानों को जो मिलना था बीमा का वो भी हमने दिया। अभी शिवराज जी ने 4,688 करोड़ को मिलना था 6,200 करोड़ से ऊपर, और इसलिए 1,553 करोड़ का घाटा यानी हजम किया कमलनाथ ने। और इसलिए मैं आज मांग कर रहा हूं कमलनाथ, तुम अगर सच्चे हो तो 1,553 करोड़ किसानों के खातों में जमा कराओ, और नहीं तो पूरी जनता से माफी मांगो कि मैंने गलती की और मैं राजनीति संन्यास ले रहा हूं। कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ ने जो किया उससे सहकारी सोसाइटी आर्थिक तंगी में आ गई है और वह किसानों को लोन नहीं दे सके। कमलनाथ ने फसल बीमा के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस भी घटाकर 75% कर दिया जिससे प्रीमियम कम हो गया, लेकिन यह प्रीमियम भी जमा नहीं कराया गया जिससे किसानों को फसल बीमा का लाभ मिलना मुश्किल हो गया। कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ खजाने का रोना रोते रहे, लेकिन शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री बनने के 8 दिन के भीतर 2,200 करोड़ का प्रीमियम जमा कर 32 करोड़ का फसल बीमा दिलाया। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।